दोस्तों अभी जो आपने वीडियो देखा है, इस वीडियो को कैसे बनाते हैं ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन भी दबाइए ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करना है मोबाइल ट्राइपॉड पे रख के कुछ इस तरह। दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है काइनमास्टर। इसका लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है इसका ऐप को। फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, फिर आपको प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करना है। 16:9 वाला एस्पेक्ट रेशियो आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ऊपर आपको मीडिया में चले जाना है और आपका रिकॉर्ड किया गया वीडियो जिस फोल्डर में है उस फोल्डर में चले जाइएगा। हमारा फिलहाल काइनमास्टर एक्सपोर्ट में है। उसके बाद आपको वीडियो पे सेलेक्ट करना है। अब आपका वीडियो यहाँ पे आ गया, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर इस वीडियो में कोई ऑडियो है तो यहाँ पे इस वीडियो को सेलेक्ट कर दीजिए और साउंड पे जाके इसे जीरो कर दीजिए, फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको इस वीडियो को प्ले कर देना है, ये देखिए। अब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब यहाँ से इसे क्लिक करके यहाँ पे जाकर एक स्क्रीनशॉट निकालते हैं, कैप्चर एंड सेव फ्रेम एट प्ले हेड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फिर से इस वीडियो को थोड़ा आगे ले लेते हैं जहाँ पे हम जंप करते हैं, ये देखिए। अब फिर से इस वीडियो को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करके स्क्रीनशॉट निकालना है। अब फिर से थोड़ा आगे जाते हैं और यहाँ पर भी क्लिक करके इसका स्क्रीनशॉट निकालते हैं। अब आपको काइनमास्टर ऐप के एग्जिट कर देना है या फिर मिनिमाइज कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरे ऐप की ज़रूरत पड़ेगी आपको जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर। इस ऐप का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे भी इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको लोड ऑफ फोटो पे क्लिक करना है और आपके सामने फ़ोटो आएंगे जो आपने स्क्रीनशॉट निकाले हैं। तो यहाँ पे मैं इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर देता हूँ और ओपन कर देता हूँ। तो मैं आपको इस फ़ोटो में सिर्फ एक ही फ़ोटो एडिट करके दिखाने वाला हूँ। आपको तीनों या फिर आपने जितने स्क्रीनशॉट निकालने हैं सभी फ़ोटो आपको इरेज करने हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए सिर्फ एक ही इरेज करके दे रहा हूँ। उसके बाद आपको डन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे मैनुअली पे चूज करके इसका साइज जो है फुल कर देना है। अब यहाँ से सब इरेज कर दीजिएगा, ये देखिए। दोनों उंगली से जूम कर लीजिएगा। अब फोटो इरेज करने के बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए। फोटोज को इरेज करने के बाद आपको फिर से काइनमास्टर ऐप में चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ही आपका प्रोजेक्ट मिल जाएगा प्रोजेक्ट, उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपको एडिट पे क्लिक करना है। अब आपको लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है और इरेजर में चले जाना है। अब यहाँ से ये तीनों इमेज आ गए हैं। आपको तीनों इमेज को सेलेक्ट कर देना है एक एक करके, फिर उसको फुल स्क्रीन कर दीजिएगा। फिर से लेयर में चले जाइए, फिर से इरेजर में, फिर से दूसरे वाली इमेज, फिर से इसे फुल स्क्रीन कर दीजिए, फिर से छोड़ दीजिए। फिर से लेयर में चले जाइए, मीडिया में चले जाइए, इरेजर में चले जाइए, तीसरी वाली इमेज लेके फुल स्क्रीन कर दीजिए यहाँ से और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ओके। अब आपको करना क्या है, इन तीनों लेयर्स वाले इमेज का जो ड्यूरेशन है इसको फुल कर दीजिएगा, ये देखिए। अब आपको इस वीडियो को प्ले कर देना है।
आप जब यहाँ पे जाते हो तो आपको यहाँ पे प्लस पॉज कर देना है और इस वाले इमेज को सेलेक्ट कर देना है। सॉरी, अब आपको पता लगाना है ये वाली इमेज है, ये देखिए ये वाली। अब आपको इसको सेलेक्ट करके कट में चले जाना है और ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड पर क्लिक कर देना है। ओके, अब फिर से स्टार्टिंग से देखते हैं ये वीडियो। ये देखिए, अब आपको यहाँ पे भी इसी तरह करना है। यहाँ से थोड़ा बैक लीजिए, वीडियो का लेंथ बढ़ा लीजिए अगर कोई मुश्किल हो जाए तो इस तरह से। अब आपको इस वाले लेयर वाले इमेज को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कट पे चले जाके आपको ट्रिम ऑफ राइट हेड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप आखिर वाली इमेज रह गई, आपको प्ले कर देना है वीडियो यहाँ से। अब आपको आखिर वाले लेयर को सेलेक्ट करना है और इसे भी कट पे चले जाना है और ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड पे क्लिक कर देना है। ओके, अब फिर से पहले वाले लेयर पे चले जाना है और आपको इसे आउट एनिमेशन दे देना है, फेड आउट बहुत ही छोटा सा देना है आपको। ये देखिए, प्ले करके देखते हैं एक बार। नहीं दिया अभी तो चलेगा, लेकिन हम दे देते हैं। अब आपको इसे साउंड इफेक्ट दे देना है यहाँ पे। अब आपको इसके लिए इस ऑडियो वाले पे चले जाना है और आपको जो फोल्डर में साउंड इफेक्ट है वहाँ से सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसका लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साउंड इफेक्ट का, इफेक्ट का उस वाला। ये देखिए, इसे यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देते हैं। अब हम एक बार प्ले करके देखेंगे, इस पर क्लिक कर दीजिए, एक बार प्ले करके देख। अब इस साउंड इफेक्ट को सेलेक्ट कर दीजिए और इस थ्री डॉट्स पे जाइए, फिर आपको डुप्लीकेट पे सेलेक्ट कर देना है। फिर से इस साउंड इफेक्ट को लेना है और दूसरे वाले लेयर पे लगा देना है आपको, फिर प्ले करके देखते हैं। फिर से इसे सेलेक्ट कर दीजिए, थ्री डॉट्स में जाइए, डुप्लीकेट पे क्लिक कर दीजिए और इस साउंड इफेक्ट को खींच के आपको यहाँ पे ले जाना है तीसरे वाले पे। यहाँ पे आप इसे प्ले करके देखते हैं। अब आपका वीडियो जो है रेडी हो गया, फिर से स्टार्टिंग से एक बार प्ले करके देखते हैं। ये देखिए, दोस्तों ये देखिए आपका वीडियो जो है रेडी हो गया। अब इस वीडियो को गैलरी में सेव करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको वीडियो का रेजोल्यूशन है यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिएगा, HDFHD, मैं फिलहाल HD ही रख देता हूँ। फिर यहाँ पे हाई कर दीजिएगा साइज और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए, आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। दोस्तों आपका वीडियो जो है एक्सपोर्ट हो गया, एक बार इसे प्ले करके देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करके MX प्लेयर में प्ले करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या ना आया हो, लेकिन लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है नई वीडियो बनाने के लिए। और कमेंट भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।